हेलो गाइस वेलकम टू कैम्बुश तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फोर जिसका नाम है एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स सबसे पहले हम एल्केन्स पार्ट को डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में बेसिकली सबसे पहले हम चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे देन हम नॉमन क्लेचर देखेंगे एल्केन्स का देन हम टाइप्स ऑफ एल्केन्स देखेंगे और फिर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स यानी प्राइमरी सेकेंडरी टेशन क्वार्टनरी कार्बन कैसे फाइंड आउट करें हम तो चलिए लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं तो चलिए डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एल्केन्स में चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं अब आपको पता है कि हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स और यही बात हमने यहाँ लिखी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन उसके बाद हम हाइड्रोकार्बन को बेसिकली क्लासीफाई करते हैं ओपन चेन जिसे हम एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं और दूसरा क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन या जिसे हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बनस को हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं उसके बाद अगर हम इन्हें फर्दर क्लासीफाई करें तो वो होते हैं हमारे पास थ्री पार्ट सबसे पहला पार्ट होता है एल एल्किन्स सेकंड होता है एल्किन्स एंड थर्ड होता है एल्काइन्स इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है इनके लिए अलग से चैप्टर है जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फॉर द टाइमिंग हम एल्केन्स को डिस्कस कर रहे हैं एल्केन्स क्या होते हैं सैचुरेटेड असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड हो देखिए नाम से क्लियर हो जा रहा है ओपन चेन और सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड वो होंगे एल्केन्स और असाइक्लिक इसे हम ये भी बोलते हैं और जनरल फॉर्मूले की अगर हम बात करें एल्केन्स की तो वो होता है सी एन एच टू एन प्लस टू एन होता है हमारे पास यहाँ पर कोई भी इंटीज़र उसके बाद अगर हम बात करें साइक्लिक कंपाउंड कॉरस्पॉन्डिंग टू तो एल्केन्स उन्हें हम साइक्लो एल्केन्स बोलते हैं डियर और उनका फॉमुला होता है सी एन एच टू एन और यहाँ पर एन थ्री फोर एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है वन और टू नहीं होंगे अब एग्जांपल की अगर आप बात करें तो ओपन चेन में देखिए हमारे पास सिंपल सा है सबसे सिंपल की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे इथेन की बात देखिए हमारे पास यहाँ पर कार्बन कितने हैं टू और हाइड्रोजन कितने हैं सिक्स अब देखिए अगर हम यहाँ पर एच एन को टू पुट करें तो डियर हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा सी टू सी टू एच फोर प्लस टू सिक्स एच सिक्स तो हमारे पास ये जनरल फॉर्मूला में फिट हो रहा है तो ये हो गया हमारे पास ओपन चेन सेचुरेट असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन यानी एल इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं साइक्लिक कंपाउंड की बात करूँ तो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दूंगा साइक्लोहेक्गजेन का माइडियर तो ये देखिए हमारे पास कितने कार्बन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब अगर इसे साइक्लो एल्केन होना है तो इसे जनरल फॉर्मूला को फॉलो करना पड़ेगा अब कार्बन यहाँ पर कितने हैं हम आइडियर सिक्स तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एच कितने होना चाहिए ट्वेल्व तो गिन लेते हैं अब देखिए दो हाइड्रोजन यहाँ पर एच एच इसी तरीके से दो हाइड्रोजन यहाँ पर H H इसी तरीके से दो हाइड्रोजन यहाँ पर H H इसी तरीके से दो यहाँ दो यहाँ और दो यहाँ काउंट करो कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व सी सिक्स एच फोटीन तो ये हो गए हमारे पास एग्जाम्पल साइक्लोहेल्केन का यानी साइक्लो तो रिपीट कर लेते हैं हम कुछ नहीं एल्केन्स का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स उसके बाद हमने हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई किया फर्दर ओपन चेन और एसाइक्लिक जिन्हें हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं सेकेंड क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन उसके बाद हमने देखा कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को हम थ्री पार्ट में क्लासीफाई करते हैं एल्केस एल्किन एल्काइंस एल्केन्स हमारे सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड एग्जाम्पल लिया हमने इथेन का यानी C2H6 देखिए अगर यहाँ पर 2 रखते हैं तो H6 हो जा रहा है यानी ये इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है तो ये क्या है एल्केन इसका नाम क्या है इथेन जो कि अब अभी हम देखेंगे उसके बाद हमने बात की साइक्लिक कंपाउंड कोरिस्पोंडिंग टू एल्केन्स जिन्हें हम साइक्लो एल्केन्स बोलते हैं हमने एग्जांपल ये साइक्लोहेक्सेन का जिसमें C6H12 और यहां पर है हमने काउंट किए वो 12 ही थे तो आप इसे नोट करें फिर हम लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ प्रोसीड करेंगे तो चलिए डी स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं नॉमन क्लेचर ऑफ एल्केन्स जस्ट अभी अभी हम डिस्कस करके हटे हैं कि जनरल फॉर्मूला होता है एलकेन्स का हमारे पास सी एन एच टू एन प्लस टू एन हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है इसी तरीके से हमने यहाँ लिखा है एन फॉर्मूला कॉमन और आई यू पी एस सी नेम अब देखिए अगर हम यहाँ पर एन की वैल्यू वन रखते हैं माई डियर तो एच कितने हो जाएंगे टू इंटू वन प्लस टू फोर सी एच फोर तो इसे हम बोलते हैं मीथेन इसी तरीके से जब हम टू रखेंगे तो एच कितने हो जाएंगे सिक्स इसे हम बोलते हैं इथेन इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एन की वैल्यू थ्री रखेंगे तो एच हो जाएंगे हमारे पास एट इसे हम बोलते हैं प्रोपेन इसी तरीके से जब फोर होगा तो ब्यूटेन फाइव होगा तो पेंटेन टेन सिक्स होगा तो हेक्सेन सेवन होगा तो हेप्टेन एट होगा तो ओटेन नाइन होगा तो नॉन एन टेन होगा तो डेकेन इलेवन होगा तो अनडेकेन ट्वेल्व होगा तो डू इसी तरीके से चलता रहेगा अगर हमारे पास मान लीजिए कार्बन ट्वेंटी हो तो एच हो जाएंगे यहाँ से फोर्टी टू उसे हम बोलते हैं आइकोसेन काफ़ी विचित्र सा नाम है लेकिन आपको याद रखना होगा तो ये हमने बेसिक सी बात आपसे की है हालांकि आप ये सब ट्वेल्थ में काफी अच्छे से डिस्कस करके आ चुके हैं लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ बता दिया ताकि एक हारमोनी बनी रहे तो आप इसे नोट करें फिर हम प्रॉब्लम ले, ले लेते हैं नॉमिन कलेचर ऑफ एल्के कंपाउंड्स लिखे हैं जिसके आपको आई यू नेम लिखने हैं मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पोस्ट बटन की हेल्प से इस फॉर्मूले को यूज करके खुद से ट्राई करें अदरवाइज हम डिस्कस करेंगे ही तो चलिए कर लिए ट्राई बहुत ही बेसिक कंपाउंड्स हैं तो चलिए सबसे पहला हमारा स्टेप होता है लॉन्ग चेन को सेलेक्ट करना देखिए हमारे पास अगर हम देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन की हमारे पास यहाँ पर चेन बन रही है क्या कहीं और नज़र आ रही है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नहीं अगर हम इसे ये इसी की एक कॉम्पैक्ट uh, फॉर्म है तो यहाँ पर टू कार्बन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कुछ इस तरीके से बन सकती है तो अब किसी तरीके से कर लीजिए तो हम यहाँ से कर लेते हैं कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब देखिए अब बात आती है नंबरिंग की अगर हम यहाँ से करें वन टू थ्री फोर तो फोर्थ नंबर पर हमारे पास पहला सब्सिच्यूएंट आ रहा है लेकिन यहां से करें वन टू थ्री तो थर्ड नंबर पर पहला सब्सिच्युएंट आ रहा है तो हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अगर आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं अब देखिए हमारे पास अगर हम बात करें सेकेंडरी प्रफिक्स यानी सब्जीचुएंट्स कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं एक तो थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर ही अवेलेबल हैं इथाइल एंड मिथाइल दो इथाइल ग्रुप हैं और एक मिथाइल पोजिशन मैंशन करते हैं सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर ई आता है तो थ्री एंड देन फोर डाई इथाइल उसके बाद कोई सब्सिच्युएंट बच गया जी हमारे पास फोर पर मिथाइल है तो हम लिखेंगे फोर मिथाइल उसके बाद हमारे पास आता है वर्ड रूट, यानी हमारे पास पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम हैं सेवन तो हमारे पास हो जाएगा हेप्ट सेवन के लिए हमने आपको लिखवाया है प्राइमरी सफ़ीक सेचूरेटेड है या अनसेचुरेटेड सेचूरेटेड है तो एन और क्या हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स यानी हमारे पास क्या यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जी नहीं है प्राइमरी प्रोफिक्स भी नहीं है क्योंकि साइक्लिक नहीं है उसके बाद इसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास लॉन्ग चेन कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर हमारे पास बनती हुई नज़र आ रही है अब हम देखते हैं नंबरिंग कहाँ से करें यहाँ से, से करें वन टू थ्री फोर तो फोर्थ पोजिशन पर सब्सिटेंट आ रहा है यहाँ पर करें वन टू थ्री तो थर्ड पर तो यहाँ से करेंगे नंबरिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वही इसको यूज करो सेकेंडरी प्रफिक्स यानी हमारे पास अचीवमेंट कहाँ कहाँ पर हैं थ्री और फोर पर हैं जी और कौन कौन से हैं मिथाइल दो हैं तो हमारे पास हो जाएगा डाई मिथाइल कभी टाइम लगा तो आई पर फुल डिटेल में वीडियो मैं डालूंगा डाई मिथाइल उसके बाद प्राइमरी प्रफिक्स यानी हमारे पास साइक्लिक है जी नहीं है व रूट पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं सेवन यानी सेवन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं हेप्ट उसके बाद प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्डेड एंड सेचुरेटेड है तो एन सेकेंडरी सफिक्स नहीं है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कोई है ही नहीं उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट को अब यहाँ पर देखते हैं लॉन्ग चेन हमारे पास क्या बनती नज़र आ रही है अगर हम देखें माइडिया तो लग रही है इधर से देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मेरे को तो यही लग रही है और मेरे ख्याल से यही है ये यह यह वाली अब बात आती है नंबरिंग की नंबरिंग कहाँ से करें अगर यहाँ से करते हैं वन टू थ्री फोर्थ पोजीशन पर सब्जिजुंट आ रहा है अगर यहाँ से करें हम वन टू थ्री तो थर्ड पोजीशन पर डियर हमारे पास पहला सब्जिजेंट आ जा रहा है तो हम करेंगे यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो अब इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे सेकेंडरी प्रफिक्स यानी सब्जिटेंट कहाँ कहाँ पर हैं हमारे पास सबसे पहला माय डियर अगर अल्फाबेटिकली देखें तो हमारे पास है फोर्थ पोजीशन पर और वो है इथाइल यानी फोर इथाइल उसके बाद डैश थ्री पर है मिथाइल थ्री मिथाइल अब स्मोल एम मिथाइल उसके बाद वर्ड ओड यानी पेरेंट चेन में कितने कार्बन आइटम हैं सेवन सेवन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हेप्ट उसके बाद देखिए प्राइमरी सफिक्स यानी सिंगल बॉन्डेड सेचुरेटेड है तो एन और सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास अगर हम बात करें कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो ये हमने कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स लिए आई पी एस सी नेम ऑफ एल्केन्स के तो आप ही ने नोट करें फिर हम लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ प्रोसीड करेंगे तो चलिए डियर स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एल्केन्स को जिसमें सबसे पहला आता है हमारे पास स्टेट चेन एल्केन्स एल्केन्स इन विच नो कार्बन ऐटम इज़ लिंक्ड टू मोर देन टू अदर कार्बन ऐटम्स यानी हमारे पास वो एल्केस जिसमें एक कार्बन ऐटम दो से ज़्यादा कार्बन ऐटम के साथ लिंक ना हो उसे हम बोलते हैं स्टेट चेन एलकेस एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्ज़ाम्पल हमारे पास सामने हैं आपके ब्यूटेन देखिए हमारे पास कोई भी कार्बन दो से ज़्यादा से नहीं जुड़ा है देखिए यहाँ पर इस कार्बन की बात करें तो हमारे पास वन टू टू कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और अगर हम बात करें इस कार्बन की तो ये भी देखिए तो यही बात तो हमारे पास डेफिनेशन में लिखी गई है कि दो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दो से कम हो सकता है क्योंकि देखिए ये वाला कार्बन हमारे पास एक कार्बन के साथ ही लिंक हुआ हुआ है इसका इसकायुपेसिन एमब्यूटेन कॉमन नेम हो जाएगा एन ब्यूटेन बहुत ही सिंपल सी बात है उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो है वो है ब्रांच चेन एल्केन्स एलकेच एट लीस्ट वन कार्बन एटम इज लिंक्ड टू थ्री और फोर अदर कार्बन एटम्स आरकाल ब्रांच चेन यानी ऐसे जिसमें कम से कम एक कार्बन एटम तीन या चार कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हो तो उसे हम बोलते हैं ब्रांच चेन एल्केन्स एग्जांपल आपके सामने है देखिए हमारे पास इस में ये कार्बन कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है वन टू थ्री देखिए एक कार्बन थ्री कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है तो हमारे पास इस कौन सी कैटेगरी में आएगा ब्रांच्ड चेन एल्केन्स अगर आई पी एस सी नेम लिखें तो इसका क्या हो जाएगा अभी अभी हम डिस्कस करके हाटे हैं टू मिथाइल प्रोपेन और इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसो ब्यूटेन बहुत ही सिंपल है एक बार रिपीट कर लेते हैं पूरी स्टोरी हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एल्केन्स जिसमें सबसे पहला है स्टेट चेन एल्केस यानी ऐसे एल्केन्स जिसमें कोई भी कार्बन आइटम दो से ज़्यादा कार्बन आइटम के साथ लिंक ना हो तो ऐसे एल्केन होंगे स्टेट चेन एल्केन ब्रांच चेन में क्या होगा ऐसे एल्केन जिसमें कम से कम एक कार्बन तीन या चार कार्बन आइटम के साथ लिंक हो तो उसे हम बोलेंगे ब्रांच चेन एल्केन्स एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिख दिए हैं बहुत ही सिंपल सी बात है तो आप इसे नोट करें फिर हम देखते हैं Classification of carbon atoms. तो चलिए स्टूडेंट, अब हम हम डिस्कस करते करते हैं हैं को में, प्राइमरी कार्बन एटम सेकेंडरी कार्बन एटम टर्शरी कार्बन एटम एंड क्वार्टनरी कार्बन एटम अब वो कैसे डिस्कस करते हैं कैसे पता करते हैं वो हम अभी देखते हैं देखिए हमारे पास अगर जो कार्बन एटम है वो डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच हो तो हम उसे बोलेंगे प्राइमरी कार्बन अगर हमारे पास जो कार्बन एटम है वो डायरेक्टली टू कार्बन के साथ अटैच हो तो हम उसे बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन अगर वो कार्बन एटम डायरेक्टली तीन कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हो तो हम उसे बोलेंगे टश्री कार्बन अगर कार्बन एटम डायरेक्टली फोर कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हो तो उसे हम बोलेंगे क्वार्टनरी कार्बन एटम एग्जाम्पल लेते हैं आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी उससे पहले हमने जो लिखा है वो बता लेते हैं एक कार्बन एटम अटैच्ड टू वन अदर टू अदर थ्री अदर और फोर अदर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वार्टनरी कार्बन रिस्पेक्टिवली यानी अगर एक के साथ है तो हम उसे बोलेंगे प्राइमरी टू के साथ है तो सेकेंडरी थ्री के साथ है तो टर्शियरी फोर के साथ है तो क्वार्टरनरी जो बात हमने अभी आपको बताई है जस्ट वही हमने रीराइट कर दी है तो ये इस कंपाउंड में हम पहचानते हैं कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी कौन सा टह कौन सा क्वार्टनरी। यहाँ से शुरुआत करते हैं अब देखिए ये कार्बन आइटम डायरेक्टली कितने कार्बन आइटम के साथ लिंक है एक ही के साथ तो ये हो जाएगा हमारे पास प्राइमरी कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमरी कार्बन आइटम को इसके पास चलते हैं ये डायरेक्टली कितने कार्बन आइटम के साथ लिंक है वन टू थ्री तो कौन सा हो जाएगा ये वेरी नाइस्ट श्री कार्बन एटम उसके बाद देखिए ये कितने के साथ है डायरेक्टली वन टू तो ये हो जाएगा सेकेंडरी कार्बन एटम इस कार्बन एटम की बात करें वन टू थ्री फोर यानी ये हो जाएगा क्वार्टनरी कार्बन एटम ये कितने के साथ जुड़ा है वन तो प्राइमरी ये कितने के साथ जुड़ा है वन तो प्राइमरी ये कितने के साथ जुड़ा है one तो वन प्राइमरी तो, तो ये हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स तो इट इज़ ऑल अबाउट टूडे सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस किया कि एल्केन्स क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स वगैरह उसके बाद हमने देखा आई नेम ऑफ एल्केन्स नोम पार्ट को देखा उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एल्केन्स को देखा देन हमने देखी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स अक्सर आपसे ये दे देगा और पूछेगा कि इसमें हमारे पास कितने प्राइमरी कितने सेकेंडरी और कितने टश्री कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं होपफुली लेक्चर्स आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे आप अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में, में ज़रूर दें Till next video, keep learning, keep growing.